आईपीएल 2019 लगातार चार हार के बाद छलका आशीष नेहरा का दर्द का समय हाथ से निकल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के गेंदबाज कोच आशीष नेहरा का मानना है कि उनकी टीम के पास अब समय नहीं है और उसे मौजूदा आईपीएल सत्र में जीत की राह पर लौटने के लिए हाथ आए हर मौके का फायदा उठाना होगा। राजस्थान रॉयल्स ने आरसीबी को 7 विकेट से हराया, जो उसकी लगातार चौथी हार थी। नेहरा ने मैच के बाद पत्रकारों से कहा था कि आप मैच तभी जीत सकते हैं जब हाथ आए हर छोटे मौके का फायदा उठाए। अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि सिर्फ 14 मैच खेलने हैं। उन्होंने कहा कि कुछ करीबी मुकाबले जीतने से ही आरसीबी लाइव हासिल कर सकेगी। उन्होंने कहा कि यदि आप 2 करीबी मुकाबला जीतते हैं तो 2 जीत और 2 हार होती तो जो ठीक था। शीर्ष और सबसे नीचे की टीम में ज्यादा फर्क नहीं है। हमने इस टूर्नामेंट में देखा है कि टीम लगातार 6 मैच जीतकर क्वालिफाई कर गई है और टूर्नामेंट भी जीता है। उन्होंने कहा है कि हर हफ्ते अंक तालिका बदलती है, ये टूर्नामेंट का हिस्सा है। 1 या 2 मैच जीतने के बाद है और वो भी करीबी मुकाबले होने चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।